हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं दो वीडियो गेम्स के बीच में कंपेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके पूछा था कि गेम सर, हैंड हेल्ड वीडियो गेम कंसोल खरीदना चाहिए या फिर 64-bit गेमिंग कंसोल खरीदना चाहिए। दोनों ही वीडियो गेम्स जो है मैंने Banggood.in से खरीदी थी। दोनों ही वीडियो गेम्स का फुल वीडियो भी मैंने बना दिया था, पर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये वीडियो गेम खरीदें या फिर ये वीडियो गेम खरीदें। इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए आपको कौन सा वीडियो गेम खरीदना चाहिए। अभी Banggood पर आप दोनों का प्राइस चेक करोगे तो गाइस इसका प्राइस जो है 1800 के आसपास आपको दिखाएगा, इसका प्राइस जो है 2800 रुपीज के आसपास दिखाएगा। पर दोनों ही वीडियो गेम जो है अभी फिलहाल आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि Banggood वाले जो है ना गाइस इंडिया में डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। शायद वो वापस से जनवरी से डिलीवरी करना चालू कर देंगे। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब भी अवेलेबल हो वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है इसको ओपन करके बता देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये जो वीडियो गेम है 64-bit, 32-bit और 8-bit गेम्स भी सपोर्ट करता है। ये रहा वीडियो गेम गाइस। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी आते हैं, जैसे कि वीडियो गेम को चार्ज करने का एक केबल है, और सबसे खास बात इसके साथ हमें हेडफोन्स भी देखने को मिलते हैं। और ये रही इसकी यूजर गाइड। फटाफट से इस वीडियो गेम को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर है इसकी यूजर गाइड, यहाँ पर कुछ वार्निंग का नोट मिला है हमें, और ये रहा अपना वीडियो गेम। इसको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये एक फोल्डेबल वीडियो गेम है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, और क्या क्या मिला है इसके अंदर देख लेते हैं इस फटाफट से। तो इसके अंदर हमें एक चार्जिंग केबल मिला है वीडियो गेम को चार्ज करने के लिए, और ये टाइप सी केबल है जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले आप इन दोनों का साइज और डायमेंशन देख सकते हो। ये जो वीडियो गेम है ना यार, इसके आधे बराबर है जैसे कि आप देख रहे हो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो वीडियो गेम है बिल्कुल इसके साइज का बराबर हो जाता है। ये जो वीडियो गेम है बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आप चाहे तो आपके पॉकेट में भी डालकर कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये जो वीडियो गेम है एक 5 इंच जितना मोबाइल होता है ना गाइस उतने साइज का है। इसका जो डिस्प्ले है 3.7 इंचेस का है, इसका जो डिस्प्ले है 3 इंचेस का दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये जो वीडियो गेम है यहाँ पर हमें दो जॉयस्टिक्स देखने को मिलती है, ये देख रहे हो पूरी तरीके से मूव होती है इस तरह से। ये जॉयस्टिक यहाँ पर इसका डीपैड है, यहाँ पर एक्शन बटन है, यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर स्टॉप है ऊपर की तरफ, यहाँ से वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर 16GB का मेमोरी कार्ड दिया हुआ है, यहाँ से हेडफोन वगैरह लगा सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर राइट ट्रिगर, यहाँ पर लेफ्ट ट्रिगर दिया हुआ है, पीछे की तरफ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है, इसी के अंदर बैटरी इंस्टॉल होकर आती है, बैटरी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। बैटरी जो है 400mAh की दी हुई है, और ये जो बैटरी अगर आप एक बार फुल चार्ज करते हो तो तकरीबन ये जो वीडियो गेम है 8 आवर्स तक आप यूज कर सकते हो। चलो फटाफट से इसका ओवरव्यू भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर डी पैड दिया हुआ है, इसके अंदर हमें कोई भी जॉयस्टिक देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर एक्शन बटन है, यहाँ पर स्टार्ट के बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर दो स्पीकर्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पर जो है वॉल्यूम अप डाउन करने का एक व्हील देखने को मिलता है। राइट साइड में यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर 16GB का मेमोरी कार्ड भी दिया हुआ है, इसी के अंदर सारे गेम्स लोड वगैरह होके आते हैं। यहाँ पर R2, R1, L1, L2 ट्रिगर बटन्स देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। BL5C कैटेगरी की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आप इस वीडियो गेम को एक बार चार्ज करते हो तो तकरीबन 12 आवर्स तक आप इसे कंटिन्यूस यूज कर सकते हो। तो चलो फटाफट से इसको यहाँ से हम लोग ऑन कर लेते हैं। इसका जो डिस्प्ले है IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मेन्यू दिख रहा होगा, इस मेन्यू के अंदर ये जो चीजें हैं गाइस सारी की सारी एम्यूलेटर्स दिए हुए हैं। इसके अंदर जो है आपको PS1 का भी एम्यूलेटर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फटाफट से इसको भी ऑन करके बताता हूँ मैं। उसके बाद जो है दोनों में ही मैं आपको एक दो वीडियो गेम भी खेल के बताने वाला हूँ। तो इसके मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें हमें करने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर गेम्स है, वीडियोस वगैरह भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ई बुक दी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कैलकुलेटर है, फोटोज वगैरह देख सकते हैं, वॉइस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर भी एम्यूलेटर्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एम्यूलेटर्स के लिए हम लोगों को गेम्स के अंदर जाना पड़ेगा। गेम्स के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर नेस के एम्यूलेटर में चलते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो गाइस बहुत सारी गेम्स वगैरह दी हुई है। इसके जो भी मेन गेम्स हैं आपको स्टार्टिंग के मेन्यू में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि वापस से इंग्लिश में भी दिखा रहा है यहाँ पर कौन सी गेम्स है। जहाँ तक बात करूँ मैं इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले जो है उतना ज़्यादा क्रिस्प है नहीं, क्योंकि ये TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, पर इसके अंदर IPS LCD आपको देखने को मिलता है। तो चलो फटाफट से मैं आपको कोई एक गेम खेल के बताता हूँ। तो भाई इसके अंदर ड्रैगन बॉल जी गेम मैं आपको खेल के बता देता हूँ। वैसे इसके अंदर जितने भी गेम्स हैं इसकी जो क्वालिटी है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
अपनी गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है। ओके ओ भाई गजब। दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा फाइट कर रहा है, इसका नाम अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ओ भाई क्या ही फाइट कर रहा है यार, देखो ओहो सभी के सभी जो बटन से काफी गजब तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे मारना होगा मुझे, ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है यार, तो इसको ऊपर चढ़ाता हूँ मैं अभी। कौन सा बटन है यार इसको ऊपर चढ़ाने के लिए? ओके तो ऊपर चढ़ चुका है। ये लो भाई इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कौन बचा है। ये यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया है, इसकी बारी है अभी, इसको भी ख़त्म कर दिया मैंने। तो भाई यहाँ पर मैं आपको खेल के बताने वाला हूँ स्ट्रीट फाइटर 2 गेम, बहुत ही ज़्यादा गजब की गेम होती है ये। ओ भाई क्या ही फाइट कर रहा है यार ये बंदा, ये देखो भाई क्या ही मारा है मैंने इसको भी। ओ भाई अबे भाई तो गाइस चलो इस वीडियो गेम के अंदर भी गेम खेल के देखते हैं। फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूं यहां से। इसके अंदर जो आपको जितने भी एम्युलेटर्स नज़र आ रहे हैं, सभी एम्युलेटर्स के अंदर आपको 100 से लेकर 150 गेम्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको FB एम्युलेटर के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखो गाइस कितनी ढेर सारी गेम्स हमें दिखाई दे रही है। ओ भाई एक से बढ़कर एक गेम इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कोई एक गेम खेल के बताने वाला हूँ। तो भाई इस गेम का नाम है फैटल फ्यूरी 2। तो फैटल फ्यूरी 3 भी मैं आपको खेल के बताने वाला हूँ। ये देखो गाइस क्या ही ग्राफिक्स है भाई इसके अंदर, ओ वाह। बटन्स की क्वालिटी भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी दी हुई है, क्या ही उठा उठा के फेंक रहा है यार ये बंदा इसको, देखो। इसके अंदर जो है मैं फैटल फ्यूरी 3 नाम की एक गेम होती है वो खेल के बताने वाला हूँ। ओ भाई देखो गाइस क्या ही ग्राफिक्स है इसके अंदर, बहुत मज़ा आता है इस वीडियो गेम के अंदर गेम्स वगैरह खेलने में। यार इसके अंदर जो है ना मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी, वो है इसका स्पीकर। इसका स्पीकर जो है ज़्यादा साउंड है नहीं इसके अंदर, बहुत ही कम वॉल्यूम दी गई है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं इसकी फुल साउंड रखा हूँ फिर भी इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही यार, ये एक प्रॉब्लम लगी इस वीडियो गेम के अंदर मेरे को। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दोनों वीडियो गेम्स में से आपको कौन सी वाली वीडियो गेम खरीदनी चाहिए। दोनों के अंदर गेम जो है काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। इसके अंदर जो है ओवरलोडेड गेम्स दी गई है, यानी कि बहुत सारी गेम्स हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे गाइस, उतने ढेर सारे गेम्स इस वीडियो गेम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो है लिमिटेड गेम्स हैं, तकरीबन 400 से 500 गेम्स आपको देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको जो है ये वाला वीडियो गेम खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, सारी गेम्स काफ़ी परफेक्ट तरीके से चल जाती है। वहीं पर इसकी बात मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है और वीडियो गेम भी जो है थोड़ा सा हैंग भी करने लगता है। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों वीडियो गेम्स में से कौन सी वीडियो गेम अच्छी लगी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है शांतनु, रिक, अरहाम, वीरेन, अद्वय, सनिध्या बाजपाई, निखिल, कैवल्य, जुनेद, मिलिन सोलंकी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर थी, एंड मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियो गेम्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।